हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल विद कोचिंग क्लासेस पर। आज हम आप सभी को चैप्टर फर्स्ट के एक्सरसाइज 1.2 के बारे में बताएंगे। एक्सरसाइज 1.1 हमने अपने अगले यानी जो हमने वीडियोस पहले हमने अपलोड कर दी है उसके बारे में, अगर आप सभी को उन वीडियोस को देखना है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पर जाके देख सकते हैं। अपने इस वीडियो पे मैं एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में चर्चा करूंगा, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, चलिए आज हम उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, चेक वेदर 6 की पावर n, यानी आपको चेक करना है कि जो 6 की पावर n है, ठीक है ना, कैन एंड विथ द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। कहता है कि जो 6 की पावर n है, क्या फॉर एनी नेचुरल नंबर n, क्या किसी भी नेचुरल नंबर के लिए, जैसे नेचुरल नंबर आपको पता है 1 to infinite, यानी n के लिए नेचुरल नंबर, नेचुरल मतलब हम n की जो वैल्यू है या तो आप 1 ले लीजिए, 2 ले लीजिए, 3 ले लीजिए, 4 ले लीजिए, 5 ले लीजिए, 6 ऐसे ले लीजिए, ठीक है। कहते हैं क्या ये जो 6 की पावर n है ये कभी इंड होगा, किससे इंड होगा, 0 से। अगर यानी 6 की पावर n में अगर हम n के स्थान पे कुछ भी ले लें, कोई भी नेचुरल नंबर ले लें, तो क्या कभी इसका जो यूनिट डिजिट है क्या वो 0 आएगा। तो चलिए हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं, हमें यही प्रूव करना है कि होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो देखिए, आप देखिए 6 की पावर n है, 6 की पावर n को आप लिख देते हैं 2 into 3 की पावर n, ऐसा लिख सकते हैं। इसका मतलब कि यहाँ पे 2 की पावर क्या आएगा, n आएगा, 3 की पावर क्या आएगा, n आएगा, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो इसका फैक्टर है वो क्या है, 2 और 3, ठीक है। आपको ये पता होगा कि जैसे हम लेते हैं 10 का जो फैक्टर क्या होता है, 2 और 5, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 है और साथ में क्या है, 5। तो आप देख रहे हैं इसका जो यूनिट डिजिट है या जो इंड हो रहा है वो कहाँ से इंड हो रहा है, 0 से, ठीक है। यानी अगर 2 है तो 2 के साथ क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए, तभी वो क्या होगा, इंड होगा किससे, 0 से। 100 को ही देख लीजिए, 2 into 5, ठीक है। और जैसे आपने देखा इसको, अब फिर से कर दीजिए, आप देख रहे हैं कि 2 तो है लेकिन साथ में क्या है, उनके 5 है। बाकी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 3 नहीं है ना तो 4 है, ठीक है। यानी आपके साथ यानी 3 है, तो 3 अगर है तो 3 है तो उसमें जो है जो आपका 6 की पावर n है वो इंड नहीं होगा 0 पे। अगर उसे 0 पर इंड होना है तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, 5 चाहिए। मीन्स अगर 6 की पावर n का इंड जो है वो 0 हो, क्या हो, इंड 0 हो, तो हमें ये देखना पड़ेगा या 5 जो होना चाहिए इसका एक फैक्टर होना चाहिए। 5 क्या होना चाहिए इसका फैक्टर, जो कि बट इट इज़ नॉट पॉसिबल, जो कि पॉसिबल नहीं, ठीक है। तो यानी जो हमारा क्वेश्चन है कि क्या 6 की पावर n इंड हो सकता है 0 में फॉर एनी नेचुरल नंबर n, तो ये क्या हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर उसे 0 में इंड होना है तो उसके लिए 6 का जो एक फैक्टर है वो 5 होना चाहिए, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नो, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन और उसका आंसर। अगर आपको इसके बारे में और ज़्यादा डिटेल में है तो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे इसे डाल दिया है, इसका आंसर आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे आपको समझा दिया है और आपको इसका विस्तार से जो आंसर है वो आपको किस में मिलेगा, टेलीग्राम चैनल पर। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट ज़रूर दें। थैंक यू।